देखिए, मैंने जो चना के दाल वो अगले दिन भिगो के रखे थे, इतना फूल गया है चना और मटर के दाल। तो चलिए मैं अब शुरू कर देती हूँ ये धोखा के रेसिपी। ये जो मैंने मिक्सचर ले लिया, इसमें 4 ठो हरी मिर्च और अदरक भी दे दिया थोड़ा सा। तो पहले मैंने थोड़ा सिर्फ दाल घुमा के रखा है और मिक्स करके रखा है। अभी इसमें वो सब दे के मिक्स कर रही हूँ। तो चलिए एक एक करके अभी इसमें मसाला दे देते। तो मसाला में है, देखते हैं, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर। मैंने सब मसाला थोड़े थोड़े करके दे रही हूँ अंदाज से। अभी धनिया गुड़ा दे दिया, अभी चीनी, शक्कर शक्कर और काले जीरा जिसको बोलते हैं। अभी इसमें तो देखिए, धोखा में हींग नहीं जाएगा तो क्या, हींग देना ही पड़ेगा इस रेसिपी के अंदर। थोड़ा तेल भी दे दिया। ये है मस्टर्ड ऑयल। अभी इसको हाथ से वो जो घुड़ी के काटे के तरफ ऐसे ही घुमाना चाहिए, उल्टा नहीं घुमाना चाहिए, ऐसे ही घुमा के मैं आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख दूंगी। तो चलिए अब मैं देखिए आ गई हूँ आधे घंटे के बाद। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल दे दिया। अभी इसमें जीरा, व्हाइट जीरा, थोड़ा सा हींग भी दे दिया। अब देखिए इसको, इस बैटर को इसमें दे दिया। अब बैटर को जल्दी से कंची से घुमा फिरा के, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा आप समझ सकेंगे, तभी और बहुत ताकत से इसको घुमाना पड़ता है और इसको दाने नहीं आने देना चाहिए। अभी मैं थाले में सरसों का ऑयल नहीं, इस रिफाइंड ऑयल दे रही हूँ क्योंकि सरसों का ऑयल में स्मेल आता है। तो चलिए उसको उतार लिया। अभी इसको फैला दिया, फिर इसको चाकू से मैं पीस कर लूँगी। तो देखिए मैं चाकू में थोड़ा ऑयल लगा ले लिया क्योंकि वो लग जाता है ना, तो टूटने की डर रहता है। तो चलिए मैं इसको देखिए बर्फी की तरह पीस कर लिया। देखिए कितना सुंदर मैंने बर्फी की तरह पीस कर लिया। तो इसको ठंड होने देते, तो मैं इसको शाम को बनाऊँगी। इस धोखे का रेसिपी को मैं शाम। देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं इतने दिनों से डेली का ब्लॉग डेली दे रहे थे, मैं कल से जो आज करूँगा, आज मतलब शुक्रवार, आज शुक्रवार है तो मैं आज जो करूँगा तो मैं सैटरडे दूंगा, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में और वीडियो भी ज़्यादा हो जाता है मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल हैंग करने लगता है। तो चलिए आज मैंने जो जो किया ये बोला कल जाएगा। तो आज मैंने थोड़ा बहुत, मैंने पहले फिश करके रखा था तो फिश रेसिपी दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ। और मैं, मेरे जो बात जा रही है वो बाद में जाएगी, फिर भी मैं बोल रही हूँ वो फिश रेसिपी देखना आप लोग। वो बांग्लादेशी फिश रेसिपी है, वो बहुत पुराना मेरा दादी अम्मा का टाइम का रेसिपी है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से पकाती हूँ और हमारा घर में सब पसंद करते हैं वो खा के, तो आप लोग जरूर वॉच करना। तो चलिए आज मैं शाम को आ गई हूँ किचन। तो देखिए मैं एक पैन बैठा दिया, पैन में थोड़ा गर्म पानी बिठा दिया और जो
मैंने दोपहर में एक रेसिपी किया तो उसके साथ ये जो पास्ता है मैं आज बनाऊंगी मेरे बेटा बेटी के लिए स्नैक्स, शाम इवनिंग स्नैक्स। तो चलिए आज इवनिंग स्नैक्स में हम खाते हैं पास्ता। तो आप लोगों को पास्ता पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन कौन कैसे पकाते हैं वो भी मुझे टैग करिए, मुझे मैसेज में लिख के बताइए ऐसा बनाते हैं, तो मैं भी ऐसा बना के खाऊंगी और दिखाऊंगी भी। और तो चलिए मैं ये पास्ता बना लेती हूँ। दोपहर का जो रेसिपी किया था उस वो था सोयाबीन कीमा विथ वेजिटेबल्स। तो हमारे घर में थर्सडे, वेडनेसडे और सैटरडे को वेज होता है, तो मैं वेज तरीके से बनाया था, तो देख लीजिए हम वेज तरीके से कैसे खाते हैं सारे चीज। तो चलिए मैं ये पास्ता बना लेती हूँ। और मैं सब आप सबको मुझे बहुत खुश हो रही है, जब मैंने बंगला ब्लॉग खुला तब थोड़ा बहुत लेट करके सब सब्सक्राइब करते हैं, और अब जब मैं हिंदी ब्लॉग में आई हूँ तो देख रही हूँ मेरा हिंदी ब्लॉग बहुत ग्रो कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब मेरे साथ रहिए हमेशा के लिए, और चलिए मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे खाती हूँ, कैसे पीती हूँ, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज मैं पास्ता बना लेती हूँ। अभी तो देखिए अभी मैं पास्ता दे रही हूँ पानी के अंदर, और पास्ता के साथ नमक भी दे दिया, और पास्ता बनाने के टाइम थोड़ा ऑयल भी दे देना पड़ता है, नहीं तो वो जो चिपकन जैसा हो जाता है ना वो नहीं होता पास्ता चाउमीन जब और बॉईल करना होता है तब थोड़ा ऑयल दे देने से वो चिपकन जैसा नहीं होता है। तो चलिए मैं दे दिया, और देखिए ये जो इलायची है ये भी इसमें दे देंगे, क्योंकि देखना पास्ता में थोड़ा स्मेल आता है, बहुत दिनों से पैकेट का चीज़ का जो स्मेल है वो आता है, तो मैंने इसमें थोड़ा इलायची दो इलायची दाना दे दिया इसका स्मेल अच्छे आने के लिए। तो चलिए मेरा पास्ता बॉयल होने तक मैं आती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ, मेरा पास्ता कैसे फूल के गुब्बारा जैसे हो गया, तो चलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे पास्ता, मुझे तो मीठा बना के खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिमी अदिति ने अदिति और आदित्य ने मीठा खाना नहीं चाहती, इसलिए मैं आज झाल बना रही हूँ। तो चलिए एक दिन आपको आप लोगों को मिठाई बना के दिखाएंगे, तो अभी इसको उतार लेते हैं। तो देखिए मैं एक पैन मीठा कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें मैं थोड़ा बटर दे दिया, बटर के अंदर तो चलिए बटर के अंदर मैं पास्ता दे देती हूँ, तो मैंने उबल के रखा था पहले, पास्ता दे दिया, थोड़ा हिला लेते हैं बटर के साथ, यहाँ पर आज थोड़ा धीमी करके देना है। तो चलिए मैं फिर इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, गोलमरीच पाउडर हमारे बंगाली में बोलते हैं काली मिर्च, तो मैंने यह काली मिर्च भी दे दिया। अब थोड़ा आज बढ़ा देना है, मैंने थोड़ा फ्लेम बढ़ा दिया। अब चलिए इसमें जो मैंने कीमा बना के रखा था सोयाबीन का वो दे देते हैं। देखिए मैंने दोपहर को सोयाबीन का कीमा बना के रखा था, आप इसमें दे देंगे, तो चलिए दे देते हैं, तो चलिए दे देते हैं इसमें सोयाबीन कीमा, जितना माप तक लगेगा उतना ही देना, ज़्यादा नहीं। आप जानते थे मैंने रेसिपी दिया है कीमा का, वो भी मैं बटर और घी से बनाया था। तो चलिए इसके साथ अब मिक्स कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही नमक जाएगा, तो चलिए इसमें थोड़ा सा नमक दे देते हैं। मेरा जो कीमा का सब्जी था उसमें नमक मिर्च सब तो दिया हुआ था, और इस पास्ता को भी नमक से मैंने उबाला, तो थोड़ा सा ही नमक देना पड़ेगा, और कीमा में भी मिठाई जो शक्कर बोलता है वो मैंने दे दिया था, इसलिए मैं और कुछ नहीं दूंगी इसके अंदर। अभी मेरा और एक इंग्रेडिएंट बाकी है देने के लिए, चलिए दे देते हैं, ये है चीज। तो चलिए मैं इसके ऊपर से थोड़ा चीज ग्रेट किया हुआ है चीज, ऐसे ही मिलता है हमारे यहाँ, तो चलिए और थोड़ा दे देंगे। ये जो चीज़ है ये मेरा बेटा बेटी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है,
तो चलिए मैं चीज देने के बाद थोड़ा हिला लेती हूँ और इसे ढक देती हूँ, फिर मैं सब करूँगी। तो चलिए मैं सब करने के करने जब मैं प्लेटिंग करूँगी तब दिखाती हूँ। चीज़ पास्ता बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी घर में बना के खाइए। तो अभी मैं कढ़ाई में तेल भी दे दिया, ऑयल भी और थोड़ा घी भी दे दिया। घी देने का मतलब है जो मैं धोखे को उबाल फ्राई करूँगी उसमें सुगंध आएगा, अच्छा सा एक स्मेल आएगा। तो चलिए देखिए मैं मेरा जो धोखा था पीस करके रखा था अभी ऑयल के अंदर दे दिया, तो मेरा धोखा फ्राई हो गया। तो चलिए उसको उतार लेते हैं। अभी इसको उतार लेते हैं, देखिए कैसा थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने तक अब टले। अभी मैं कढ़ाई बैठा दिया, इसमें ऑयल भी दे दिया, मस्टर्ड ऑयल जैसे मैं कहती हूँ मैं हम लोग मस्टर्ड ऑयल से खाते, और इसमें जीरा और सूखी मिर्च दे दिया, और इसमें इलायच दालचीनी और लौंग भी दे दिया, और एक टुकड़ा दालचीनी और आलू भी दे दिया। अभी मैंने आलू पहले से बना के धो के रखा था, तो आलू को अभी नमक से मैं फ्राई करूँगी। अब जानते हैं मैं नमक तो देती हूँ आलू में, तो चलिए नमक दे दिया। अभी मैं आलू को फ्राई करके अब ये जो टमाटर आधा मिर्च सब मसाला अभी जीरा गुंडा भी दे दिया, मिर्च भी दे दिए, और हल्दी भी दे दिया उस मिक्सचर में। तो चलिए मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। देखिए मेरा कितना अच्छा सा ग्रेवी तैयार हो गया, और इसके ऊपर से ऑयल भी जग गया। अभी इसमें पानी भी दे दिया मैंने, मेरे अंतर से पानी उबल गया। अभी इसके अंदर मैं जो धोखे का पीस था वो जो फ्राई करके रखा था अभी इसमें दे दिया, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ये जो गर्म पानी है उस से ही ये पक जाएगा, इसलिए पहले आलू को थोड़ा उबल लेना। तो चलिए मैं थोड़ा शक्कर दे दिया, अभी इसमें मैं थोड़ा घी भी दूंगी। जो ये जो रेसिपी है इसमें घी देने से बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा कुंती के साइड से घी दे दिया। तो चलिए मेरा और गरम मसाला भी दे दिया। तो देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है मेरा धोखे का रेसिपी। धोखा बनाओ पर धोखा मत खाओ।